बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ मैं सफेद बीन्स का सालन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसके पास मेरे पास 250 ग्राम सफेद बीन्स जो मैंने 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो दी हैं, एक प्याली कुकिंग ऑयल, एक लार्ज साइज का ऑनियन चॉप किया हुआ, एक इंच का टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी तीन तकरीबन ये काटी हुई हैं सब्ज मिर्चें, एक टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, एक टीस्पून साल्ट, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। मेरे पास इसके साथ थोड़ा सा धनिया है और इसके साथ मेरे पास ये सेव की हुई टमाटो पेस्ट है जो उसमें मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। Today I'm going to share with you how to cook white beans. तो इसके लिए मेरे पास 250 grams of water soaked white beans हैं, 1 cup oil, 1 large chopped onion, 1 inch piece of ginger, 3 green chilies, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून टर्मरिक एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। आल्सो हैव सम कोरिएंडर लीव्स एंड आई हैव सम टमाटो पेस्ट आई ऑलरेडी सेव्ड इन द शेप ऑफ पेस्ट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑयल को मैं पैन में डालूंगा ऑयल को मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसमें ऑयल के साथ ही मैंने चॉप्ड ऑनियन इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑनियन को सोते करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस विद फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड पीपल अराउंड यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। It is very healthy, very tasty and very nice recipe which I am going to share with you. आज की रेसिपी बड़ी ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार है और सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन समझी जाती है, तो इसलिए आज मैंने इसी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने का फैसला किया। बहुत लोग ब्लड प्रेशर वाले, दिल के मरीज, वो भी इसे खा सकते हैं और ये एक वेजिटेरियन डिश है जिसको नॉन वेज भी बड़े शौक से खाते हैं और बड़ा पसंद किया जाता है। अब इसमें मैं एक स्पून जो है वो डाल रहा हूं टमाटो पेस्ट का। ये टमाटो पेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बनाना सिखाई है, तो ये मैं आपको इसका लिंक जो है मैं दोबारा से इस रेसिपी के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नाउ आई पुट द ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस भी मैंने इसमें ऐड कर दी। बहुत ही बेहतरीन अरोमा जो है इसमें से उठना शुरू हो गया है। Very nice aroma is coming out of it. Now I add some of ginger in it. थोड़ा सा जिंजर मैंने इसमें डाल दिया और बाकी से इसको मैं ऊपर गार्निश करूंगा। वाह, वेरी नाइस अरोमा इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन अरोमा आ रहा है। तो ये बीन्स में से मैंने एक्स्ट्रा पानी जो है ये निकाल लिया है और अब मैं बीन्स को इसमें शामिल करूंगा। बहुत ही मजेदार, बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बीन्स को इसमें मैंने डाल दिया है और इसको
ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा मिक्स करूंगा और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं आई हैव एडेड 2 glasses ऑफ वाटर, पानी के 2 glass जो है वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं और अब इसको मैं 20 मिनट के लिए इसका लिड लगाकर इसको पकने के लिए रख दूंगा और ये पकता रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस विद फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एंड पीपल अराउंड यू। जो हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको पकते हुए 20 मिनट गुजर गए हैं, लेट्स चेक इट। वैसे मैंने इसको चेक किया था, वाह बहुत ही बेहतरीन ये गल चुके हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा ओपनली पकाऊंगा ताकि थोड़ा सा पानी जो है इसका वो ड्राई हो जाए। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन डिश है, बहुत सेहतमंद है, वेरी हेल्दी टू ईट दीज वाइट बीन्स। Please subscribe my channel, like my videos, share my videos with friends, family members and people around you. If you have any question in mind, please write in the comment box. अगर आपने मेरा चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रिश्तेदारों और कीर्तनवा के लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मेरे चैनल से मुख्तलिफ रेसिपी से मुस्तफीद हो सकें और फायदा उठा सकें। Now it is ready. Look at the oil is coming on the surface. Now I replace it from the stove. Wow, very nice aroma is coming out of it. Now I garnish it with some mixed spices. I have made a video on the mixed spices and I share you or give the link. Now I put some gingers. Very nice, very tasty and very healthy beans. Curry is ready and I put some green chilies. Now I garnish it with some of green coriander leaves. Wow, ये आपके सामने बेहतरीन white beans की recipe जो है वो तैयार है। बहुत ही खूबसूरत इसमें से aroma उठ रहा है और बहुत ही आला, बहुत सेहत अफजा और बहुत ही मजे की। आप एक दफा जरूर बना के देखिएगा और मुझे अपने तजर्बे से आगाह कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एंड पीपल अराउंड यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी मेरे चैनल को दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मेरी मजे मजे की रेसिपी से मुस्तफीद हो सके। इसको मैंने गरम मसाले और अदरक और सब्ज मिर्चों के साथ गार्निश किया और ऊपर थोड़ी सी मैंने सब्ज धनिया की पत्तियां जो है उसमें गार्निशिंग में यूज की हैं। आप जरूर बनाएं एक दफा और एंजॉय करें। आई विल बी देयर विद यू विद एन अदर माउथ वाटरिंग एंड नाइस रेसिपी। अंटिल दैट, सी यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।